नमस्कार प्यारे बच्चों, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और NTNS CUET रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। मैं हूं आपका मेंटर डॉक्टर अमित और मेरे साथ है आपका प्रिय सर प्रताप सर। ऑलराइट, तो सर देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन जारी हो गया सर, अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, बच्चों को देनी जरूरी थी, क्योंकि एनटीए ने पूरी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल से प्रोवाइड कर दी है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे यूनिवर्सिटी का आपको सिलेक्शन करना है, सारी डिटेल दे दी गई है जो पूरे इस वीडियो में अपन बताने वाले हैं बच्चों को। तो सर स्टार्ट करें वीडियो। बिल्कुल, और ध्यान से देखना है आपको, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यही दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर जाकर के CUET smart.in लगाना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे इस तरह से आपका खुल जाएगा, देखो CUET smart करके आप डालोगे तो ऐसे खुल जाएगा। खुलते ही आपको नीचे जब जाओगे तो यहां पर आपको दिखाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी, और कैंडिडेट एक्टिविटी में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हमारे पास इस तरह से आपका खुलेगा पूरा का पूरा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसको डाउनलोड कर लेना। एक्चुअली क्या, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए इसको हम वापस से डाउनलोड नहीं करेंगे। वो जो डाउनलोड किया हुआ है वही पूरी डिटेल है, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो जो डाउनलोडेड है उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा ये पूरा का पूरा किस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो हम आपको दिखा देते हैं। अभी सर तो क्या आप रेडी है? यस सर, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है ये और हम आपके साथ बुलेटिन है सर। यस सर, बिल्कुल ये देखो कि इतना खूबसूरत सा 109 पेज का है, पूरा डिटेल से एनटीए ने डाला है। Yes. तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो जो एनडीए का जो सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं उनको पूरा पढ़ना है, इसको आराम से बढ़िया से पढ़ना है, इसको इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम सर बात करें तो सबसे पहले देखो यूनिवर्सिटी होगी जो आपको लोगो वगैरह भी दे रखी है, 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनसे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एब्रीवेशन का लिस्ट वगैरह है कि फुल फॉर्म क्या है इनकी सारी है, इंडेक्स पूरा का पूरा बना हुआ है कि कहां पर क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें जो ज्यादा जो आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उसके लिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है, जैसे एग्जामिनेशन स्कीम है, आपका एलिजिबिलिटी है, चॉइस ऑफ सिटीज है, ठीक है। तो इसको हम आपको थोड़ा थोड़ा फटाफट से बता देते हैं जो आपके एकदम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन सर, आपने इसके बारे में तो पहले शायद बच्चों को बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, देखिए आपका यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी वो है आपका जो यहाँ पर एग्जाम के बारे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। देखिए बच्चों की जो डेट्स है बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, तो कमर कस लीजिए, डेट्स आने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर्म आप लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 मई और 11:50 PM तक रहेगा सर, ये लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट देखिए ये आपकी फीस क्राइटेरिया वगैरह है जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से फीस होगी, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, जहां भी फॉर्म फिल करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ये पहले वाला ये सर जो पहले से एनटीए ने डाला था, 13 लैंग्वेज शुरू वाली है, सेक्शन फर्स्ट बी के अंदर 20 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, डोमेन सब्जेक्ट वाला है वो पहले वाला ही है, कोई अलग से नहीं है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, इसको आपको डिटेल से आराम से पढ़ना है, इसको पूरा का पूरा जो आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको चाहिए, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो वो हम आपको बताने वाले हैं। फटाफट से देख लीजिएगा उसको, क्योंकि बहुत बड़ा है इसको, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम डिटेल से आपको बता डिस्कस करेंगे पूरा। ये एग्जामिनेशन स्कीम, इस पर बात करते हैं सर, बताइए कैसे है ये आपका एग्जामिनेशन स्कीम? सर देखिए जैसे मोड ऑफ एग्जाम्स है, तो देखिए पूरा आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ऑलराइट, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी बोर्ड पे होने वाला है पूरा का पूरा, पूरा एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर पे होने वाला है, ठीक है बच्चों। मीडियम ऑफ एग्जाम्स, तो देखिए वेरियस 13 लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिलेगा, एज पर योर चॉइसेस आप अपना एग्जाम में लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और कौन कौन सी वो लिखी हुई है सारे की सारी आपकी 13 लैंग्वेज है वो इसके अंदर पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, आपको चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। और जैसा हमने डिस्कस कर ही लिया है, आपका पूरा पैटर्न जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है, पूरा पेपर आपका एमसीक्यू लेवल का रहेगा, यानी आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है सर, ये बता देते हैं बच्चों को कि टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल आपके टेस्ट है वो कितने रहने वाले हैं, टोटल जो टेस्ट होने वाले हैं 9 टेस्ट होने वाले हैं, ये ध्यान रखने का आपको, टोटल 9 टेस्ट होने वाले हैं। और वो कैसे होने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप क्या है इसके लिए आपके पास चॉइस क्या रहेगी, दो स्लॉट में एग्जाम होंगे, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 जो होगा उसके अंदर आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ले सकते हैं सेक्शन 1 फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में से, और मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, डोमेन जो 27 सब्जेक्ट डाले हुए हैं पूरे एनडीए ने वहां से ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट भी।
है ना। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जनरल टेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी रखती है, यूनिवर्सिटी के जो अलग से यूनिवर्सिटी जारी करेगी उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका जो सेकंड स्लॉट वाला जो टेस्ट है उसके अंदर आप क्या ले सकते हैं, तीन लैंग्वेज आप उसके अंदर ले सकते हैं और तीन लैंग्वेज के अंदर आप सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में से चूज कर सकते हैं। फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट एक कम करना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट फिर आप पांच ले सकते हैं एंड जनरल टेस्ट के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सर, बताना था बच्चों को, जरूरी था। उसके बाद में एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना इसको। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्लॉट का जो एग्जाम है वो टाइम रहेगा 9 AM से लेकर 12:15 तक। सर ये देखो बच्चे को ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट का देखो ध्यान देना, ये जो एंटी एग्जाम करवाएगा वो तो सर क्या है अलग अलग डेज पे होगा, लेकिन एक बच्चे का एक ही दिन एग्जाम होगा और स्लॉट फर्स्ट और स्लॉट सेकंड के अंदर, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। अब महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये भी है सर, ड्यूरेशन फर्स्ट वाला ये हो गया, इसमें ड्यूरेशन क्या है 45 और 60 मिनट to 195 मिनट, ये बहुत जरूरी है सर सूचना देना बच्चों को। जैसे मान लो यहाँ पर सर कि हमने सब्जेक्ट की बात की, दो लैंग्वेज है आपका, अच्छा डोमेन सब्जेक्ट में से दो डोमेन का ऑप्शन आएगा, जब फॉर्म फिल करेंगे उसका अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे, फॉर्म भरा जाएगा। और जनरल टेस्ट का यहां जैसे आपको सिर्फ जनरल टेस्ट ही देना है कि भाई मुझे तो सिर्फ जनरल टेस्ट ही देना है, मुझे इन पे और बाकी पे नहीं करना है, तो आप जनरल टेस्ट देकर के भी जा सकते हैं इसके अंदर, आपको पूरा 195 मिनट तक बैठने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है। यानी आप तीनों देते हैं, अगर मान लो लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं, आप डोमेन सब्जेक्ट का देते हैं और जनरल टेस्ट का देते हैं, तो आपको 195 मिनट बैठना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक टेस्ट देना कि भाई मुझे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है वहां मुझे जनरल टेस्ट की एलिजिबिलिटी रखी है और मैं वही देना चाहता हूं, तो आप देकर के जा सकते हैं, ठीक। इसी तरह से स्लॉट सेकंड के अंदर आपका 3 से लेकर 6:45 पर होने वाला है और 45 मिनट to 25 मिनट, यानी इसमें भी आपके पास चॉइस है, जो आप देना चाहते हैं वो देकर के जा सकते हैं, ये आपको बता दिया पूरा। उसके बाद में हम चलते हैं अगला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर, यानी सेकंड स्लॉट है उसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, इन स्लॉट सेकंड के अंदर ऑप्शन है। सर बताइएगा कि क्या ऑप्शन है सेकंड स्लॉट के अंदर। सर देखिए यहाँ पर आप जो है वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट एंड आप नेक्स्ट जो है इसमें से फर्स्ट बी मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकंड, ठीक है ना। तो आप यहां से जो है एक लैंग्वेज फर्स्ट ए में से और फर्स्ट बी में से और फिर 4 डोमेन जो है सब्जेक्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, देखिए भर भर के ऑप्शन डाले हुए यहाँ पर, देखिए सर है ना। बिल्कुल सर, जो सेकंड स्लॉट में 5 पेपर होने वाले हैं, आपके कहने का मतलब शायद यही है कि 5 पेपर में आप चॉइस आपके पास क्या है, एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप और 4 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज लेकर के आप 3 डोमेन करके अपना 5 पेपर वाला जो है क्राइटेरिया आप यहाँ पर कवर कर सकते, यानी ये सेकंड स्लॉट के अंदर तो ये आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है भाई, ये भी ध्यान से पढ़ना आपको जरूरी है। एलिजिबिलिटी में क्या रहेगा सर, एक बार देखिएगा इसको, एलिजिबिलिटी में बता दीजिएगा बच्चों को। देखिए सर एलिजिबिलिटी के अंदर आपका जो कैंडिडेट है वो या तो 12th अपियरिंग हो या फिर वो 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप जो है 12th अपियरिंग है, पास आउट है, आप आराम से अपनी कंप्लीट प्रिपेरेशन करके और एनसीईआरटी बेस्ड पूरा टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, आप आराम से अपना एग्जाम अपियर करके अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं एग्जाम पास करके, यानी या तो आप अपियरिंग होनी चाहिए या फिर पास आउट होने चाहिए। यस सर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं ये सारी रिजर्वेशन जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारा आपको फायदा मिलने वाला है इसमें। उसके बाद में चॉइस ऑफ सिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बता देते हैं, आप जो एग्जाम देखो सर बताइएगा कि चॉइस ऑफ सिटीज में क्या ऑप्शन है बच्चों के पास में। सर देखिए यहाँ पर बच्चा जो है 4 सेंटर्स अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग या होम टाउन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। हाँ, बाकी जैसे एग्जाम देते हैं 4 सेंटर के ऑप्शन देते हैं, उसमें से 4 सेंटर का ऑप्शन ये रहेगा, ले सकते हैं, ठीक है सर, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको नियर अबाउट आपको सेंटर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो जितनी भी हो तो फॉर्म फिल करने के बाद की बात में, तो जैसे आप फॉर्म फिल हो जाता है और आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपकी जैसे अपडेट होगा फिर उसमें आपको हम बता देंगे। ये सारा बताया दिया आपने। हाँ सर, स्लॉट फर्स्ट हो चुका है, तो हो गया, सेकंड हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है सर, बताइएगा एक बार फटाफट से इसको भी। सर देखिए एग्जाम जो स्लॉट है इसका स्लॉट फर्स्ट जो मॉर्निंग सेशन में हो रहा है बच्चों, तो यहाँ देखिए 13 लैंग्वेज का यानी फर्स्ट ए का आपको पेपर इनको देना है कोई भी, है ना। तो यहाँ पर जो है 40 out of 50, मतलब आपको 50 में से जो है 40 क्वेश्चन अटेंड करना है और हर एक क्वेश्चन जो है या 5 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का और 45 मिनट का इनका ये
पेपर रहेगा 45 मिनट पर लैंग्वेज का, ठीक है ना, पर लैंग्वेज का, पर लैंग्वेज का, पर लैंग्वेज का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बता दी सर, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर हमने गलत कर दिया तो क्या होगा सर, बताइए। देखिए गलत करने पर आपका -1 होगा इसमें, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एप्लीकेबल है बच्चों, बहुत ही केयरफुली और ध्यान से अपना ऑप्शंस फिल कीजिएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आप एक राइट क्वेश्चन करते हैं और एक रोंग करते हैं तो ये 5+ होंगे आपका, एक -1 हो जाएगा बिल्कुल। अब प्रश्न ये भी हो सकता है बच्चों का, सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो अनआंसर्ड या मार्क तो क्या रहेगा? तो देखिए उस केस में आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना, 0 रहेगा बिल्कुल ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट सर आप बताइए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के अंदर भी सेम है सर, सेम अगर 50 टोटल क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट रहेंगे स्लॉट फर्स्ट के अंदर, और ईच क्वेश्चन कितने रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 का रहेगा, 45 मिनट पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगी, 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन के रहते हैं फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर, आपके जो चॉइस है आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सर इसके बारे में, अगली जो है आपका सेकंड स्लॉट के बारे में, सेकंड स्लॉट का भी सेम है सर, सेम है बिल्कुल, 50 में से 40 करने हैं इसके अंदर, लैंग्वेज की 5 ईच क्वेश्चन है और डोमेन में भी यही है, 50 में से 40 करने, 5 ईच है, और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बच्चों को बताना सर। उसके बाद में आपका है ये, आप पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा नहीं था इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है इसको, ये जरूरत नहीं आपको भाई, सब आप ईमानदारी से पेपर करोगे, कोई चीटिंग वेटिंग नहीं करेंगे, इसके रिगार्डिंग था ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर, ये बताइएगा बच्चों को। देखिए सर मार्किंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने इसको थोड़ा बहुत पार्ट डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ और इसमें पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सर, ये बताइएगा एक बार आपको, तो देखिए इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर आपका जो है राइट होता है तो आपको +5 मार्क्स जो है पर क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल ना। मैं एक सीयूटी का मान लो जैसे स्टूडेंट हूं, तो मुझे क्या सोचना है कि राइट में अगर करता हूं तो मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके सर क्लियर है, ठीक है सर। अगर गलत हो गया है तो -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, ठीक है ना, रोंग का -1 हो जाएगा। अब देखिए अनएंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू will be given no mark, अगर आपने कुछ भी answer fill नहीं किया है तो आपको 0 marks मिलेगा, okay, sir, ठीक है ना। If more than one options is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option। देखिए बच्चों आपने बड़ी अच्छी मेहनत की इसमें, तो बहुत अच्छा पॉइंट खंगाल के निकाला। मान लीजिए ए और बी जो है अगर दोनों राइट होते हैं और आपने किसी में से एक अगर किसी ने ऑप्शन को राइट किया है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इजी वे में कहूं तो सर का कहने का मतलब यहां पर ये है कि जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी, और उसके अंदर मान लो कि एग्जामिनर जो एग्जाम का पेपर है उसमें ए भी ऑप्शन सही है और बी भी सही है, और आपका ए है तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे आपने ये किया है, और किया तो भी आपको कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, सी और डी किया तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब ये अच्छी बात है कि भाई 2 ऑप्शन उसमें राइट पाए जाते हैं, आपने दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट किया तो 5+ होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सपोज सारे राइट हैं, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लीजिए अगर ए बी सी डी चारों राइट है और किसी ने अगर एक भी अटेम्प्ट किया है तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, छोड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा बताया सर आपने कि अगर मान लो कि चारों ऑप्शन ही सही है तो उसको 5 मार्क्स मिलने वाले, और छोड़ दिया तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बहुत अच्छी मेहनत की सर आपने, और ये पूरा बच्चों को बताया, तो कुल मिलाकर के ध्यान देना, आपको लगे कि भाई ए और बी दोनों इसमें लग सकते हैं तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। लास्ट देखिए, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 5 मार्क्स। अगर सपोज वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो सभी को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के पूरा क्वेश्चन ही अगर गलत हुआ है तो ये सबको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल सर, मान लो कि 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं तो सबको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, है ना, 4 ऑप्शन सही होने वाले हैं तो सबको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो ये अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो उसके बाद में आपका आता है एनडीए स्कोर, ये यूनिवर्सिटीज जो है ये हमने डिस्कशन कर लिया है, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा ये पढ़ लीजिएगा आप, इसमें कोई इतना ज्यादा विशेष नहीं है। उसके बाद में आपका मिसलेनियस क्वेरी से रिलेटेड जो आपका रहता है, अच्छा यहां पर क्या है आपकी स्पेसिफिक क्या है सर, ये सर ये सर्टिफिकेट्स है रिगार्डिंग
जो आपके कास्ट वाइज होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड ऐसे फॉर्मेट में दिए रहते हैं जिसको इसी आप फॉर्मेट में आपको बना करके उसको हाँ फिर सेट करना है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया रहता है यहाँ पर। जी जी, जैसे भी आप जैसे ईडब्ल्यूएस का आपका है, ओबीसी का है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसको होना चाहिए। एक्चुअली बहुत बड़ी फाइल है, इसलिए थोड़ा हम इसको स्किप करके जो आपको जानकारी चाहिए वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट है, 44 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ये भी आपको इसको देख लेनी चाहिए सारी की सारी। ये जो है सर, देखिए ये कोड पहले जो है गिवन नहीं थे, अब ये कोड भी दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। लैंग्वेज के नाम तो आपको पहले दे दिए गए थे लेकिन कोड नहीं दे रखे थे। जैसे इंग्लिश का 101 नंबर कोड है, तो जैसे कोड डालते हैं फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपका लैंग्वेज आ जाएगा इसके अंदर, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। सेकंड लैंग्वेज के भी दे, डोमेन सब्जेक्ट के भी कोड दे दिए गए, जैसे अकाउंटेंसी के 301 दे रखे आपको, सबके कोड आपको उपलब्ध करवा दिए गए। उसके बाद में सर ये वेरियस एग्जाम सेंटर्स हैं, एग्जाम के सेंटर के नाम भी देखे, तो ये भी आप अपने स्टेट वाइज पड़ता है वो आप देख लीजिएगा, स्टेट वाइज और सिटी वाइज आप इसमें चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज सिटी वाइज दोनों है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में सर और बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन, सीपीटी मोड पे हो गया, उसके बाद में फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको कैसे फिल करना है, तो वो तो हमारा वीडियो आ ही रहा है नेक्स्ट, उसका अलग नया से वीडियो बना करके आपको बता देंगे, बता कि देंगे किस तरह से फॉर्म फिल करना, आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको बतानी है, देखिएगा पर्टिकुलर टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरते हैं तो क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए, उन सब पर हम बात करें। जैसे पर्सनल डिटेल है तो क्या क्या चाहिए, यानी इसको आप देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा हमने डायरेक्ट बताया था तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बाकी एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है इसका, 109 के पेज का है, उसको एक एक पढ़ना है पूरा का पूरा, जो आपके रिगार्डिंग है उसके हिसाब से इसको जरूर पूरा का पूरा ध्यान रखना। आप ऑनलाइन को फॉर्म कैसे फिल करना है इसका अलग से वीडियो बना करके बता देंगे किस तरह से बनना है आपको, हालांकि इसमें भी दे रखा है सारा का सारा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आई होप सबसे ज्यादा आपको मेन बुलेटिन की जो खबर आपको देनी थी वो ये थी कि सारी डिटेल आपको इस बुलेटिन में दी गई है, आपको जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है उसके रिगार्डिंग आपको पूरा रिसर्च उस पर कर लेना है, उसके बाद में अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा डिटेल लेकर के ही भरना है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको सीयूईटी उत्कर्ष YouTube चैनल को जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें बच्चों। हाँ, इस पर हम क्लासेस भी लगाने वाले हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको बेनिफिट मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर क्लासेस रहने वाली है, और फॉर्म कैसे फिल करना है इस रिलेटेड अलग से हम वीडियो बना करके डाल देंगे। हमारी ये जानकारी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और उत्कर्ष सीयूटी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।